सड़कों पर जितने भी लोग गाड़ियां लगा रहे हैं बेतरतीब तरीके से नो पार्किंग जोन में, अब ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ, एक बैठक में फैसला लिया गया, इन तमाम गाड़ियों को अब ट्रैफिक विभाग की ओर से उठाया जाएगा और उसे बगल के जो थाने हैं वहाँ पर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में हम बातचीत करते हैं धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार से, जाने का प्रयास करते हैं कि बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया और कब तक इसे जो है लागू किया जाएगा और कितना असर इसका देखने को मिलेगा धनबाद में लोगों पर और खास करके धनबाद की सड़कों पर। सर, आपसे जानना चाहिए कि अभी हाल ही में आप लोगों की बैठक हुई है, सड़कों पर जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं उन गाड़ियों को उठाया जाएगा, क्या है ये पूरा प्रोसेस और कब से इसे लागू किया जाएगा शहर? उपायुक्त धनबाद महोदय के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जो यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को बनाया गया है और पुलिस उपाधीक्षक यातायात, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा निगम से सदस्यों की को सदस्य बनाया गया है। इनको यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में किन किन कारणों से जाम लग रहा है इसका अध्ययन कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए, साथ ही वैसे जगहों को चिन्हित करने के लिए जहां की लगातार अवैध पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग किया जाता है, तो इसको लेकर नगर निगम के द्वारा एक टोइंग व्हीकल उपलब्ध कराया जा रहा है जो जल्द ही यातायात पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि हम लोग वैसे वाहनों पर कार्रवाई कर सकेंगे जो जहाँ तहाँ सड़कों पर वाहन पड़ाव करते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं सर कि कब से ये लगेगा, क्योंकि धनबाद में सड़कों पर जो वाहन लगाना आम हो गया है, तो क्या उसके पहले आप लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास करेंगे और अगर वाहन जब्त हो जाते हैं क्रेन के माध्यम से अगर उठाए जाते हैं तो फिर उसे छुड़ाने का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्या फाइन लिया जाएगा? इसमें निगम के द्वारा बहुत जल्द जो टोइंग व्हीकल है उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और इसमें जो एमबी एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें वाहनों को जब्त करने के उपरांत जो संबंधित या नज़दीकी थाना तक पहुंचाने का जो खर्च होता है वो प्लस रॉन्ग पार्किंग की जो फाइन होती है वो दोनों जुर्माना लिया जाता है। बहुत जल्द हम लोग को निगम के द्वारा यह उपलब्ध कराया जाएगा। क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए निगम से जो है बैरिकेड, ट्रैफिक बुलार्ड, चैनलाइजर, ड्रम तथा अन्य सामग्रियों की भी मांग की गई है, जिसको कि बहुत जल्द हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो अवैध कट बने हुए हैं उनको बंद करेंगे। चौक चौराहों पर जो है पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है सफ़ेद पट्टी और पीली पट्टी लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि किस जगह पर सिग्नल के दौरान रुकना है, या जो ट्रैफिक पुलिस जो मैनुअली अभी धनबाद में काम कर रहे हैं उनके इशारों पर किस जगह चौक चौराहों पर रुकना है। सर, अभी जो है नहीं, उन कटों को लेकर भी चर्चा हुई है तो उन कटों को फिलहाल बैरिकेड से बंद किया जाएगा और बहुत जल्द ही पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसमें जो है डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। सड़कों पर गाड़ियां लगाकर अपनी वाहनों को लगाकर जाने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। अपनी मर्जी से कहीं भी नो पार्किंग में पार्किंग करने वाले लोगों के लिए अब एक बुरी खबर। जी हाँ, ट्रैफिक विभाग इन गाड़ियों को अब उठाकर अब निकट के थानों में ले जाकर जमा कर देगा। धनबाद उपायुक्त के निर्देश के बाद से अब निगम की ओर से एक क्रेन उपलब्ध कराया जाएगा ट्रैफिक विभाग को और फिर ट्रैफिक विभाग इन गाड़ियों को उठाकर निकट के थाने में ले जाएगा। ये अभी हाल ही में फैसला लिया गया है और अब जितनी जल्दी निगम ये क्रेन ट्रैफिक विभाग को उपलब्ध कराता है उतनी जल्दी अभियान शुरू होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सिटी सेंटर में। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी सड़कों पर गाड़ियाँ लगी रहती हैं और ये हाल ना सिर्फ धनबाद के सिटी सेंटर का है बल्कि धनबाद के बैंक मोड़ की अगर हम बात करें, पुराना बाजार की बात करें, सरायढीला की बात करें, हम मेमको मोड़ प्रभातम क्षेत्र की बात करें, तमाम बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं लेकिन कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। आपको हम एक
एक बार कैमरे से एक सिरे से नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, ये दोपहर का वक्त है और इस वक्त सड़कों की दोनों तरफ ही हम देख सकते हैं कि गाड़ियां आराम से लगी हुई है, जैसे कि ये कोई पार्किंग क्षेत्र है। लेकिन शाम होते होते यहाँ गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ दिखने लगते हैं, जिसे लेकर एक फैसला लिया गया है और अब बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। एक बार इधर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से गाड़ियों को इस प्रकार से लगाया जाते हैं जैसे कि ये कोई पार्किंग क्षेत्र है, और यही स्थिति की वजह से प्रत्येक दिन ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। धनबाद के बैंक मोड़ में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं इस मामले को लेकर DC ने एक बैठक की और ये निर्देश दिया है, अब नगर निगम जो भी कागजी प्रक्रिया पूरी करेगी और जल्द ही ट्रैफिक विभाग को उसे ट्रेन को सौंप दिया जाएगा। नगर आयुक्त अभी इस बैठक में शामिल रहे हैं। सड़क के 50% हिस्से पर अतिक्रमण रहता है और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि फिर गाड़ियों को छुड़ाने के लिए उन्हें फाइन भी देना पड़ेगा। यहाँ से जो भी गाड़ियों को उठाकर जो निकटतम थाना ले जाएगा, जो भी उसमें चार्जेस आते हैं, टोइंग में चार्जेस आते हैं, वो प्लस फाइन जो है वो उन लोगों को भरना होगा। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस नियम के लगने के बाद से अब लोगों का इस तरह से बेवजह सड़कों पर गाड़ियां लगाना कम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहर में लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हम धनबाद के सिटी सेंटर की बात करें, बैंक मोड़, क्योंकि वो पुराना क्षेत्र है, लेकिन जो नए कंस्ट्रक्शन सराय ढिला और उससे आगे क्षेत्र में चल रहे हैं, वहाँ भी जो ग्राउंड फ्लोर है जो कि पार्किंग के लिए रहना चाहिए, उसे भी जो है कॉरपोरेट सेक्टर्स को बेच दिया जाता है पैसे के एवज में, जिसके वजह से लोगों को मजबूरन गाड़ियां बाहर लगाना पड़ता है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और ये जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर जो एक्शन लिया जाता है उसका कितना ज़्यादा असर आने वाले वक्त पर देखने को मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।